परिचय सम्मेलन साथियों, भारतीय जैन संगठना की शुरुआत वैवाहिक आयोजनों से हुई थी। शुरुआती दौर में विवाह विषय पर काम करना यह भारतीय जैन संगठना ने अपना थीम बनाया, उद्देश्य बनाया। आप निश्चित रूप से मुझसे सहमत होंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले कई संस्थाएं, कई लोग हैं, मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाले कई संस्थाएं, कई लोग हैं, लेकिन परिवार के वैवाहिक रिलेटेड विषय पर काम करने के लिए बहुत कम लोग सामने आते हैं। आदरणीय शांतिलाल जी मुखा, जो भारतीय जैन संगठना के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्होंने सन 1985 में भारतीय जैन संगठन की स्थापना की और वैवाहिक विषयों से ही अपने सामाजिक दायित्व का कर्तव्य पालन शुरू किया। परिचय सम्मेलन उन्हीं कार्यक्रमों की श्रृंखला का एक कार्यक्रम है। लगभग 25 वर्षों से ज्यादा समय बीत चुका है और लगातार इन 25 वर्षों से भारतीय जैन संगठना विभिन्न प्रकार के परिचय सम्मेलनों का आयोजन कर रही है। विवाह हर घर की जरूरत है, विवाह हर परिवार में समय समय पर होते रहते हैं। हमारे समाज में विवाह ऑर्गेनाइज करना बहुत सहज और बहुत आसान है, लेकिन विवाह तय करना उतना ही कठिन होता जा रहा है। आज के जमाने में कितना ही बढ़िया परिवार क्यों ना हो, कितना ही प्रतिष्ठित परिवार क्यों ना हो, कितना ही एजुकेटेड परिवार क्यों ना हो, कितना ही आर्थिक संपन्न परिवार क्यों ना हो, रिश्ते मिलने सभी के लिए कठिन है। सभी परिवार वैवाहिक रिश्तों के लिए कठिन दौर से गुजर रहे हैं। रिश्ते ढूंढे से नहीं मिलते, रिश्ते ढूंढने के लिए वक्त की कमी है, रिश्ते ढूंढने के लिए परिचय की कमी है। एक जमाना था जब समाज के कुछ गिने चुने लोग इस दायित्व का निर्वाह करते थे। समाज में किसी के भी घर विवाह योग्य बेटा हो, बेटी हो, उन्हें रिश्ते बताने का काम समाज के कुछ विशेष गिने चुने लोग करते थे। उनके जेब में लड़के लड़कियों की लिस्ट हो करती थी, वे सजेस्ट करते थे, वे इंडिकेट करते थे, तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया है, बेटी बड़ी हो गई है, इसका रिश्ता करना है, ये पते लो, इसके यहां जाओ, उसके यहां जाओ। आज के जमाने में ऐसी परंपरा का अभाव है। कोई किसी के बीच में नहीं पड़ता रिश्ते बताने के लिए, कोई किसी को रिश्ते की जानकारी नहीं देता। सगे रिश्तेदार और यहां तक कि परिवार के सदस्य भी रिश्ता बताने से परहेज करते हैं। आज के जमाने में रिश्तों के बीच में कोई पढ़ना नहीं चाहता, कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। ऐसे माहौल में, ऐसे वातावरण में रिश्तों की जहां कमी है, अगर रिश्ते ठीक से स्थापित नहीं हुए, विवाह ठीक से मेल मिलाप के साथ संपन्न नहीं हुआ, तो संपूर्ण जीवन परेशानी का काल भुगतना पड़ेगा। काफी सोच विचार कर, काफी अध्ययन कर आदरणीय शांतिलाल जी मुखा ने एक नई योजना को जन्म दिया जिसका नाम है परिचय सम्मेलन, विवाह योग्य युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन। एक छोटा सा आयोजन जो लगभग 1986 में पहली बार शुरू किया गया,
एक आयोजन समय के अंतराल के साथ किस तरीके से एक मूवमेंट में परिवर्तित होता है, यह जीती जाती मिसाल है। और केवल जैन समाज में ही नहीं, आदरणीय मुखर्जी द्वारा शुरू किया गया परिचय सम्मेलन का यह कॉन्सेप्ट सभी जाति धर्म के लोगों ने एक्सेप्ट किया है। और आज सभी जाति धर्मों में विवाह के प्रपोजल्स को ढूंढने के लिए परिचय सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, देश भर में आयोजित किए जा रहे हैं। भारतीय जैन संगठन ने समय के आवश्यकता के अनुसार परिचय सम्मेलन के कॉन्सेप्ट में बदलाव लाया। जब जैसे चेंजेस की जरूरत थी अपने फॉर्मेट में परिचय सम्मेलन के अपेक्षित चेंजेस करते रहे, आज के समय में कई प्रकार के परिचय सम्मेलन भारतीय जैन संगठन कर रही है। एक ओर जहां हाईली एजुकेटेड हमारे बेटे और बेटियों के लिए उच्च शिक्षित परिचय सम्मेलन किया जाता है, उसी तरह अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए अलग परिचय सम्मेलन किया जाता है। मेट्रोस एंड एनआरआई के लिए अलग सम्मेलन किया जाता है, ग्रामीण भाग के कैंडिडेट्स के लिए अलग सम्मेलन किया जाता है। अलग अलग सबकास्ट के मुताबिक, पंथ के मुताबिक भी परिचय सम्मेलन करने की व्यवस्था भारतीय जैन संगठन में है। हम श्वेतांबर समाज का, दिगंबर समाज का, गुजराती समाज का अलग अलग परिचय सम्मेलन लेते हैं और सभी सबसेक्शन का मिलाकर कॉमन परिचय सम्मेलन भी आयोजित करते हैं। इसके साथ साथ रीमैरिज परिचय सम्मेलन का भी आयोजन भारतीय जैन संगठन करती है। साथियों, जहां अच्छे भले कैंडिडेट के लिए भी संबंध कम होते हैं, नहीं हो रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, वहां पर जिनका डाइवोर्स हो गया हो, जो विधवा या विधु हो गए हो, जो अपंग हो शारीरिक रूप से, ऐसे लोगों को संबंध कौन बताएगा? क्या इन्हें पूरी जिंदगी ऐसे ही रहना चाहिए या इनका भी विवाह होना चाहिए? हमने इस पर भी विचार किया और इनके भी विवाह के लिए भारतीय जैन संगठन प्रयास करती है। परिचय सम्मेलन, जिसे मैं सामाजिक वैवाहिक परिस्थिति का आईना मानता हूं, समाज में वैवाहिक परिस्थिति कैसी है यह जानने के लिए घर बैठे हमें यह बात मालूम नहीं पड़ सकती। इसे समझने के लिए परिचय सम्मेलन का मंच सर्वाधिक उपयुक्त मंच है। मेरे एक बेटा है, एक बेटी है, एक बेटा और एक बेटी के लिए संबंध तो आसानी से मिल जाएंगे, यह धारणा हर परिवार के सदस्य में होगी। लेकिन जब विवाह योग्य उम्र आती है और ढूंढे से प्रॉपर रिश्ते मिलते नहीं, तब किसी न किसी की मदद की जरूरत होती है।